नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रसारित लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। ये इंटरैक्टिव सेशन आपके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तौर पर 5 दिवसीय 5 घंटे का आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का श्रेय देना चाहूँगी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान सीआईटी एनसीईआरटी को, उन्हीं के सौजन्य से आप इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, जो कि है शिक्षण एवं अधिगम के लिए डिजिटल संसाधन के रूप में एनिमेशन। यानी किस तरह से एनिमेशन का इस्तेमाल कर आप अपनी सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और सरल बना सकते हैं, कैसे ये उपकरण आपकी शिक्षण प्रक्रिया में बहुत कुछ बेहतर कर सकता है, इसे हम इन 5 दिवस में जानने का प्रयास करेंगे। मैं सृजन आपके साथ हूँ और आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स NCERT ऑफिशियल और NCERT PMA विद्या क्लास 6 टू क्लास 12। ये बहुत से विभिन्न माध्यम हैं जिनसे आप हमें देख रहे हैं। आज दिवस 3 है। आज फिर एक नए इसी उपकरण के एक नए भाग में हम जानेंगे स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाना। तो किस तरह से आप स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाकर अपने विषय को बच्चों के लिए और सरल बना सकते हैं। एनिमेशन की बात करें तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ सिखाने का प्रयास जो कि उन्हें उनके शिक्षक कर रहे हैं वो कुछ रुचिकर ढंग से हो, साथ ही वो सरल हो और रोचक भी हो। ऐसे में एनिमेशन के ज़रिए विषय को पढ़ाना अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है और बच्चों को जल्दी समझ में भी आता है, क्योंकि यहाँ हम उन्हें जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो शिक्षा उन तक पहुँचनी चाहिए उसको देने का एक नया माध्यम हमने जो है आपके लिए तराशा है और आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम ये सभी विषय जो है आज इस पर बात होगी, चर्चा होगी हमारे आज के अतिथि के साथ। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप उन्हें हमसे साझा कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और सभी जानकारी के साथ साथ लगातार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये नंबर है 8800-440-559। आप हमें हमारे ट्रेनिंग सत्रों से जुड़े किसी भी विषय को लेकर अपने समाधान या फिर अपनी समस्याएं या फिर कोई भी प्रश्न प्रतिक्रियाओं के साथ हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए हमसे संपर्क करें training.helpdesk@cit.nic.in पर। आप हमारी YouTube ऑडियंस हैं, YouTube पर आप अपनी लगातार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी के साथ लिखकर बताएं कि क्या आप कोई प्रश्न ऐसा भी है जो हमारे विषय से संबंधित जानना चाहते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि 5 दिवसीय इस कार्यक्रम के बाद अंतिम और 5वें दिन आपके लिए सत्रोत्तर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। आप सही जवाब देकर यानी 70% से अधिक अंक अर्जित कर अपने लिए एक प्रमाण पत्र भी अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आप विजिट करें cit.ncert.gov.in। तो आप बिना किसी देरी के अपने आप को हमारे साथ आज ही पंजीकृत कर लें। इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो ये यकीनन आपकी शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। आइए हम चलते हैं अपने गेस्ट से मिलने। ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं आप सर श्री अमोल किशन हंकारे। सर स्वागत है आपका। नमस्ते सर। विषय शिक्षक हैं, जिला परिषद शाला नंबर 2 कूची महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं अपने आज के अतिथि के साथ कि स्टॉप मोशन एनिमेशन कैसे बनाए जाते हैं। फिर सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम स्टॉप मोशन एनिमेशन पढ़ते हैं तो क्या इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस विषय से संबंधित हम कर सकते हैं, कैसे ये काम करता है। फिर क्योंकि एक उपकरण की एक कुछ सीमाएँ हो सकती हैं, वो भी आप हमें सत्र के दौरान ज़रूर बताइएगा। हमारे व्यूअर्स के मन में जितने भी प्रश्न आएंगे उन्हें भी मैं समय समय पर आपसे पूछती रहूंगी। जी सर, अब आपसे जानते हैं। जी चलो, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग। आज के सत्र में हम स्टॉप मोशन एनिमेशन देखने वाले हैं। तो स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, उसके बाद हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होगा और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा जो स्टॉप मोशन एनिमेशन है और हमारे जो रहते हैं साधन रहते हैं जैसे मोबाइल वगैरह, तो उसके माध्यम से हम कैसे बना सकते हैं स्टॉप मोशन। तो ये जो हमारे छोटे छोटे रिसोर्सेस है उनके माध्यम से हम स्टॉप मोशन एनिमेशन बना के स्टूडेंट के जो वीडियोज है वो थोड़े से अच्छे बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है। जी
तो इस सत्र में हम एनिमेशन क्या है यह देखेंगे, उसके बाद एनिमेशन के प्रकार कौन से हैं, स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है वो देखेंगे, स्टॉप मोशन बनाने के जो स्टेप्स रहते हैं पहले क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप कौन कब करना है ये देखेंगे, उसके बाद स्टॉप मोशन पर हम डेमो देखेंगे। तो स्टॉप मोशन स्टूडियो में कैसा, जैसे लाइटनिंग होता है, ट्राइपॉड कैसा सेट करना है, ये सब हम इस सत्र में देखने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ये छोटो वीडियो एंजॉय कीजिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि स्टॉप मोशन क्या है। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखा, इसको हम फ्लिप बुक बोलते हैं। तो ये फ्लिप बुक के माध्यम से हमने क्या किया है कि एक एनिमेशन तैयार किया है, ऐसा ही स्टॉप मोशन एनिमेशन में होता है। तो एनिमेशन क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम बचपन में एक डिवाइस खिलौना तैयार किए थे, ये देखो ये रहता है पंछी और तोता वाला, तो ये दृष्टि भ्रम है। इसमें दृष्टि निरंतरता से क्या किया जाता है कि हमारे दृष्टि पटल पे एक इमेज तैयार होता है, तो वो इमेज बार बार आने के बाद एक पूरा साइकिल तैयार होता है, वैसा ही सिस्टम इस एनिमेशन में किया होता है। एक अनुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित जो चित्र रहते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जोड़ा जाता है और एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया होता है। ये तो ये आप सबने हमने देखा ही है और बचपन में यूज भी किया है, तो ऐसा ही ये एनिमेशन में होता है। तो एनिमेशन के चार प्रकार है, जैसा पारंपरिक एनिमेशन, पारंपरिक एनिमेशन में क्या रहता था, तो ड्राइंग हाथ से बनाते थे हम, और वो एक बार फर्स्ट सीन सेकंड सीन है, स्टेप बाय स्टेप पारंपरिक एनिमेशन में हाथ से ड्राइंग बनाते थे। उसके बाद आ गया थोड़ा सा डिजिटल क्रांति हो गया, डिजिटलाइजेशन होने के बाद हम वो कंप्यूटर के ऊपर 2D एनिमेशन बनाने लगे, जैसे हम छोटे छोटे कार्यक्रम देखते हैं 2D एनिमेशन के। उसके बाद अब बच्चे जो देखते हैं छोटा भीम वगैरह रहता है वो 3D एनिमेशन, मोटू पतलू, ये 3D एनिमेशन के नमूने हैं जिसमें हम 3D एनिमेशन देख लेते हैं। और उसके बाद आता है स्टॉप मोशन एनिमेशन, जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टॉप मोशन एनिमेशन एक फिल्म निर्माण की एक तकनीक है जिसमें हम छोटे छोटे इमेज को चित्रित करते हैं और भ्रम पैदा करने वाले में तो एक इल्यूजन तैयार करते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप हम इल्यूजन तैयार करते जाते हैं, फोटो खींचते जाते हैं और उसको एक क्रम से श्रृंखला से माध्यम से हम क्या करते हैं, छोटा सा वीडियो प्राप्त करते हैं। तो उसके टाइप्स अलग अलग टाइप्स है स्टॉप मोशन एनिमेशन के, तो कौन से टाइप्स है उसके, तो ये क्लेमेशन है। क्लेमेशन में क्या करते हैं, क्ले के माध्यम से हम छोटे छोटे कंटेंट तैयार कर देते हैं और मूर्ति जिनको उसमें इंटरेस्ट है क्ले में, तो क्ले के माध्यम से एनिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मोशन, हमारे डेली लाइफ में जो ये रहते हैं चीज़ें रहते हैं, रोजमर्रा की चीज़ें वस्तुएं रहते हैं उनको हम लेकर ऐसे एनिमेशन बना देते हैं। उसके बाद है पपेट्री, जो कठपुतली रहते हैं उसको हम हाथ उसके ऊपर नीचे चेंज करके एक्सप्रेशन देके ये पपेट्री के माध्यम से ही हम ये मोशन स्टॉप मोशन कर सकते हैं। उसके बाद हम छोटे छोटे 2D कटआउट्स, ऑब्जेक्ट कागज़ की सामग्री या कार्ड स्टॉक बना के कटआउट से मोशन, आज हम इसका ही डेमो देखेंगे कटआउट का, छोटे छोटे हम कटआउट लेके एनिमेशन बनाएंगे। उसके बाद होता है पिक्सेलेशन, पिक्सेलेशन यानी क्या है, एनिमेशन बनाने के लिए हम जो एक्टर रहता है उसको एक क्रम में उसका शूट किया जाता है और उसके बाद एक उसके फोटो खींच खींच के हम उसको पिक्सेलेशन के माध्यम से हम एनिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद रहता है मॉर्फिंग, मॉर्फिंग यानी क्या कहते हैं, उसमें साइज बदल के हम ऑब्जेक्ट का साइज कम ज्यादा करके ये बना सकते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन। उसके बाद आता है जो ब्लैक कटआउट रहते हैं, ब्लैक फोटो रहते हैं और उसके काले कटआउट के माध्यम से हम सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ एक छोटा सा एनिमेशन बना सकते हैं, उसको सिलेट एनिमेशन भी कहता है सिलेट। उसके बाद आता है टाइम लैप्स, बहुत से वीडियो हमने टाइम लैप्स पे अभी अभी देख रहे हैं, वो सुबह होने के बाद का ऐसे जो नेचुरल है, नेचुरल दृश्य है उसको हम फास्ट तरीके से दिखाते हैं, उसको टाइम लैप्स कहते हैं। तो इस प्रकार स्टॉप मोशन के ये 8 प्रकार हैं। तो हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कैसा बनाते हैं तो चलो देखते हैं। तो ये देखिए, तो स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए पहले हमें एक स्पष्ट हमारे
दिमाग में एक स्टोरी वर्ड तैयार होना चाहिए, स्क्रिप्ट तैयार होना चाहिए। तो हम एक छोटा सा डिजाइन, हमने ब्लूप्रिंट हमने माइंड में बनाना है, उसके बाद हम ऐसे स्क्रिप्ट, उसका स्केच, ये सब बनाना चाहिए, और उसके बाद हम स्टॉप मोशन एनिमेशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हमें सेटिंग करना पड़ता है, जैसे कि हमें उसका बैकग्राउंड सेट करना है, उसके कैमरा सेटअप करना है, कहाँ से कैमरा एंगल रहेगा, उस पे लाइट्स कहाँ से रहेंगी, वो सब हम सेटअप करेंगे। स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कैरेक्टर, हम 2D कैरेक्टर बनाने वाले, क्ले से बनाने वाले या कठपुतली बनाने, उसकी डिज़ाइन हम तैयार करनी है और उसके रचनाएं बनानी है, तो उसके बाद ही हम वो काम कर सकते हैं। ये तीसरा स्टेज हो गया। उसके बाद हमारा कैमरा सेटअप, कौन से एंगल से हमारे कैमरा रखना है, कहाँ से कहाँ जाना है, ये सब हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो कैमरा सेटअप करने के बाद ही हमारा स्टॉप मोशन एनिमेशन प्रॉपर से आएगा। उसके बाद आता है फ्रेम रेट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेम रेट अच्छा हो तो ये हमारा एनिमेशन स्मूथ दिखता है। तो फिल्म मानक के मानक से हम फ्रेम रेट 24 ही रखना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हम छोटे छोटे फ्रेम रेट रखेंगे तो क्वालिटी कम ज़्यादा होती है, या कुछ कुछ एनिमेशन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हम आप डेमो में देख लेंगे कि फ्रेम रेट कैसा चेंज होने से क्या मैटर होता है। तो उसके बाद आता है एडिटिंग। ऐसा होता है कि हमने इमेजेस, तस्वीरें खींच ली हैं, लेकिन किस किस तस्वीर में कुछ तो गलतियाँ रहती हैं, या ऑडियो या सेटअप, बाकी का कुछ करना है, तो इसके लिए एडिटिंग। तो हम ये एडिटिंग कैसा करता है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो जी ये 6 स्टेप है, इसके माध्यम से हम स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक एंड्रॉयड फ़ोन लगेगा, उसके बाद एक ट्राईपॉड लगेगा कैमरा कैमरा के सेटअप के लिए, और उसके बाद लाइट्स। तो इस सेटअप के माध्यम से हम, मिनिमम सेटअप के माध्यम से हम स्टॉप मोशन एनिमेशन बना सकते हैं। तो जब स्टॉप मोशन एनिमेशन हम बनाते हैं, तो उसके लिए प्री प्रोडक्शन में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट लिखना चाहिए कि उसकी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए कि किचन में हम क्या कर रहे हैं, एक कैसा है बैकग्राउंड, कैसा है रूम, कैसा है, सब हमें सीन, पहला बैकग्राउंड का सीन लिखना चाहिए, उसमें के डायलॉग्स लिखने चाहिए, ऐसे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे पहले। उसके बाद उसका स्टोरी बोर्ड में वो एक टेम्पररी स्केचआउट रखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहेगा, उसमें इतने कैरेक्टर रहेंगे, ये स्टोरी बोर्ड हम तैयार करेंगे। पहले इमेज में ये आएगा, दूसरे इमेज में ये आएगा, ये सब हम स्टोरी बोर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम शूटिंग करेंगे, शूटिंग वीडियो शूट यानी क्या करेंगे, उसमें जो इमेजेस है उसको एक 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 कर करके हम कैप्चर करेंगे। उसके बाद आता है वॉइस ओवर, जिसमें हमने क्या किया है, जो वीडियो शूट किया है उसमें जो हम ऐप देखने वाले हैं स्टॉप मोशन स्टूडियो, उसमें वॉइस ओवर कैसे देते हैं, या आप बाहर से ही ऑडियो उसमें ऐड कर सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट जो आता है वीडियो एडिटिंग, जब पूरा अपना सेटअप पूरा रेडी होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें वीडियो एडिटिंग कर देंगे। तो ऐसे ही वीडियो एडिट करने के बाद वो एक्सपोर्ट कैसा करते हैं, कौन से क्वालिटी में करेंगे, ये सब हम देख लेंगे। तो इस तरह हम स्टॉप मोशन एनिमेशन में सेटअप या प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना है और स्टॉप मोशन स्टूडियो ये ऐप सर्च करना है। मैंने अभी लिंक दिए, QR कोड भी दिया है, आप वीडियो पॉज करके या अभी स्कैन करके ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जी इस तरह हम ये सेटअप कर देंगे। तो एक हमारे NCERT ने एक वीडियो बनाया था, तो वीडियो का डेमो मैं दिखा देता हूँ कि इस टाइप के वीडियो हम इस स्टॉप मोशन से बना सकते हैं। सर यहाँ रोकना चाहूंगी और हम भी वीडियो प्ले नहीं हुआ है क्या? जी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है सर। मैं दूसरा वीडियो एक ट्राई कर लेता हूँ।
इज दिस विजिबल? नो सर, इट्स नॉट विजिबल. एक मिनट, मैं फिर से पूरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. जी ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी ऐप का, अपने उपकरण का जो है लाइव डेमो पर पहुंचते हैं. और किस तरह से? यस 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 जी मैम, मैं अभी यहाँ से उठ के मेरे सेटअप के पास जाता हूँ और मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. जी सर, आपसे अनुरोध है कि आप यहीं रहें और हमें आगे जो देखिए, डेमो है आप उसके यहाँ बारे से में ही बताएं. मैं, यस 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 ये देखिए, ये स्टॉप मोशन है, ये देखिए, मैं पूरा मेरे मोबाइल से दिखा देता हूँ. ये देखो, ये जी स्टॉप मोशन एनिमेशन का एक ये पूरा ऐप है. तो इस ऐप के माध्यम से हम आज ये करने वाले हैं वीडियो जी हम प्रॉपर बताना से. चाहेंगे कि हम अपने ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनिमेशन उपकरण के बारे में जान रहे हैं. ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है. यदि आप बच्चों को किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, यानी उन्हें कुछ इस तरह से विषय पढ़ाने का प्रयास करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, बच्चों को जानकर रुचि हो, और ऐसे में क्योंकि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और इन 5 दिवसीय कार्यक्रमों में विभिन्न उपकरणों पर भी हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही आज स्टॉप मोशन एनिमेशन कैसे बनाए जा सकते हैं इस उपकरण की जानकारी देने के लिए भी हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं. उन्होंने प्रयास किया अपनी पीपीटी के जरिए भी आपको ये बात समझाने का. अब हम ज़रूर लाइव डेमो के जरिए देखेंगे कि किस तरह से इस उपकरण पर काम किया जा सकता है. यहाँ बताना यस चाहूँगी यस कि यस इन 5 दिवसीय उपकरणों को के बारे में जानकर आप पोस्ट असेसमेंट यानी सत्रोत्तर प्रश्नोत्तरी में भी भाग ले सकते हैं. इसके लिए आपको हमारे सभी सेशंस को विभिन्न माध्यमों से पूरी तरह से देखना होगा, यानी आप हमारे सत्रों का कोई भी हिस्सा जो है उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि हो सकता है जिस हिस्से को आप ना देखें उसी से प्रश्न आपके सामने आ जाए. इसलिए हमारे सभी सत्रों को पूरी तरह से देखें, इसके विभिन्न माध्यम भी हैं. आप हमारी ऑफिशियल साइट पर भी इन सत्रों के लिंक ले सकते हैं. तो वेबसाइट बताना चाहूँगी यहाँ पर CIET.NCERT.GOV.IN हमारी वेबसाइट है. इस पर आप हमारे होम पेज पर जाने के बाद workshop/training ऑप्शन को चुनें और आप देखेंगे कि हमारी इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण श्रृंखला का शीर्षक अब आपके सामने है. इस शीर्षक पर क्लिक करने के बाद आप सभी जो रूपरेखा है इन कार्यक्रमों से जुड़ी और कौन कौन से अतिथि आपको बताने वाले हैं वो भी आप देखेंगे. या बताना चाहूँगी कि जो भी पीपीटी या फिर प्रस्तुति लिंक आपके सामने होगा वहाँ पर अधिक जानकारी और वीडियो लिंक भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा. प्लेलिस्ट ऑप्शन भी है और विभिन्न माध्यम भी हैं जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं. आपसे चाहेंगे कि आप अपने फीडबैक्स भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं. यदि आप हमें बताएंगे कि आप हमारे सत्रों से जुड़े और कौन कौन से बदलाव चाहते हैं, तो यकीनन उन सकारात्मक बदलावों को हम अपने सत्रोत्तर प्रश्नोत्तरी के साथ ही अपने प्रशिक्षण श्रृंखलाओं में ढालने का प्रयास करेंगे. तो चलिए अपने गेस्ट के पास एक बार फिर चलते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं कि वो विषय से संबंधित और ज़्यादा जानकारी हमारे सभी व्यूअर्स तक पहुँचाएँ. अमोल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या हम लाइव डेमो के ज़रिए अपने आज के उपकरण को सीख सकते हैं? ये देखिए, ये स्टॉप मोशन एनिमेशन का यूज़र इंटरफेस है. थोड़ा सा एक फिर से मैं शेयर करता हूँ. ओके, आपको सब अब दिखाई दे रहा है. तो ये यूज़र इंटरफेस है उसका. ऐप जब हम खोलते हैं तो इस तरह हमें डिवाइस दिखाई देगा. इसमें एक होम टैब है, इसमें उसके बाद एक फोल्डर टैब है, एक ट्यूटोरियल का पेज है, यहाँ से हम ट्यूटोरियल ले सकते हैं. जी एक सर, मिनट, अभी भी शेयरिंग संभव नहीं हो पाई है, हमें स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है. एक एक मिनट फिर से मैं शेयर कर देता हूँ पूरा स्क्रीन. जी ओके, अभी दिखाई दे रहा है? जी सर, हम देख पा रहे हैं. ओके, अब मैं फुल स्क्रीन व्यू में दिखा रहा हूँ. ये देखिए, ये हमारा ऐप का यूज़र इंटरफेस है. इसमें हमें होम, ये ट्यूटोरियल, ये साइड में ये टैब है, उसके बाद ये सेटिंग का टैब है, इसमें एक ट्यूटोरियल का पेज है. यहाँ से हम लेट्स मेक्स अ मूवी, क्रिएट योर फर्स्ट फिल्म विद स्टॉप मोशन स्टूडियो पर जब हम क्लिक करते हैं तो उनके डेमो आ जाते हैं. तो यहाँ पे हमने जो जितने जितने मूवीज बनाए हैं वो दिख सकते हैं. यहाँ पे जो बल्ब है वहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हमें उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, कैमरा सेटअप कैसा करना चाहिए, स्टार्टेड कैसे करने चाहिए, एनिमेट कैसा करना चाहिए, और हमारा वीडियो एडिट कैसा करना चाहिए, ये सब के वीडियो हमें दिखाई दिए, उन्होंने दिए हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हम अभी नहीं देखेंगे, आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके सेटिंग पेज है, यहाँ पे हमें टूल टिप्स, प्रीव्यू, ऑटो प्ले, उसकी लाइब्रेरी, ये सब हमें इधर से मिल जाएंगे। तो ऐसा ही, इतना ही सिंपल यूज़र इंटरफेस है इसका, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस साइन दिखाई देगा, जब हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब हम देखते हैं तो एक साइड पे हमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इश्यू आ रहा है, तो इसके लिए हमने लाइट का सेटअप किया है। जब हम पूरा लाइट डालेंगे उस पर तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह, तो ऐसे हमें सेटअप करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा सेटअप करने के बाद, उसके बाद हम देख लेते हैं लाइट सेटअप हो गया, कैमरा सेटअप हो गया, इस पे एक क्वेश्चन मार्क का ये है बटन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बैक बटन है, उसके बाद वॉइस ओवर बटन है, उससे इस प्रोजेक्ट में हम अलग से इमेज ऑडियो क्रेडिट्स डाल सकते हैं, इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ से हम फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जब हमने क्लिक किया है तो अंडू कर सकते हैं जो हमें सही से नहीं लग रहा है, और उसके बाद हमारे जो फ्रेम्स पूरे हो जाएंगे तो हम वो कट कर सकते हैं। तो चलो एक सैम्पल वीडियो हम बना सकते हैं क्या, देख लेते हैं। श्योर सर, तो इसके लिए हम कैप्चर बटन पर क्लिक करेंगे, कैप्चर बटन पर क्लिक करने के बाद नया यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें हमें ये जो वन वन दिख रहा है, यहाँ पे हमने कितने फोटो कैप्चर किए हैं इतने ये दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद ये जो ग्रिड दिख रही है, ये ग्रिड इसलिए है कि हमारा जो फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, जो सेंटर पे है या साइड में है, ये देखने के लिए ये रहता है। तो इस तरह हमारा ये सेटअप है। तो ये देख लेते हैं, एक हम एनिमेशन बनाते हैं छोटा सा। तो देखिए मैंने एक प्लस एडिशन का एक ये लिखा है, ये देखिए इसमें हमने 3 लिखे, तो इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए एक पहला फोटो कैप्चर हो गया है, ये 2 बार हम खींचेंगे तो उसकी कंटिन्यूटी आएगी, उसके बाद हम प्लस प्लस साइन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम और एक नंबर ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारा इज इक्वल टू साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, तो क्वेश्चन मार्क हमें ब्लिंकिंग दिखाना है, इसलिए हम एक एक बार ब्लैंक कर देंगे, और उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेक्ट आंसर डाल देंगे। इस तरह हमने टोटल 17 फोटो खिंचवाए हैं, तो हम देख लेते हैं प्ले करके कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से प्ले करने के बाद हमें ऐसा दिखाई देगा, सिर्फ लास्ट के प्ले हो गए। इस पे इसके लिए हम बैक लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा ये एनिमेशन ऐसा हुआ है। इसके हम फ्रेम रेट्स जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें इसमें जो ये अभी टाइम दिख रहा है वो 5 सेकेंड पर इमेज है, उसके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कम करने के बाद क्या होता है ये भी देख लेंगे हम, यह हमारा एनिमेशन सॉफ्टली स्मूथली हो जाएगा। तो हम इसमें एक इमेज के बाद कौन सा कितना टाइम रखना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जी,
व्यूज यहाँ बिल्कुल साफ है कि गणित जैसे विषयों पर भी आप सरल, जैसे कि ये एक जटिल विषय के तौर पर व्यूअर्स और बच्चों को लगता है, लेकिन यहाँ अगर एक सरल से कॉन्सेप्ट को भी हम एनिमेशन उपकरण के जरिए, और वो भी स्टॉप मोशन एनिमेशन हम बनाना सीख रहे हैं, तो ऐसे विषयों पर भी जो है सोच विचार कर कर उन्हें सरल बनाया जा सकता है। यस 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 यस। जी तो इस तरह हम इसके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, इसके हर एक इमेज का हमने अब 3 सेकेंड किया है, तो उसको फास्ट भी कर सकते हैं, हमारा वीडियो फास्ट चाहिए, इसका फ्रेम रेट जब हम 12 करेंगे तो 1 सेकेंड में 12 इमेज मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा भी देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से इतना फास्टली काम हो रहा है, तो हम फ्रेम रेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो फ्रेम रेट सही से होगा। हमने दो दो इमेज कैप्चर किए थे, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम कम रख दिया, 3 सेकेंड किया, तो हमारा मूवी है तो स्मूथली चल रहा है, एनिमेशन हमारा स्मूथ चल रहा है। तो इस तरह हम मैथ्स जैसे टॉपिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम दूसरा एक एनिमेशन करके देख लेंगे, जैसे कि जो अभी जो पंछी है, पंछी मूव कैसे करेगा, इस तरह का एनिमेशन देख लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक दो एसेट्स बनाए हैं, कैरेक्टर बनाए हैं, ये देखिए एक है इसमें, इस पंछी के क्या है, जो पंख है वो नीचे है और इसमें है एक ऊपर है, तो ये दो इमेज के माध्यम से हम क्या करेंगे, वो फ्लाइंग बर्ड्स बना सकते हैं एनिमेशन में, तो ये देख लेंगे। इसके लिए हम सेटिंग करते हैं, थोड़ा सा एक सेटिंग करना पड़ता है इसमें, को बोलते हैं ओनियन स्किन। ये देखिए यहाँ पे है ये ओनियन स्किन 3 5, हम कितने भी ओनियन स्किन रख सकते हैं, तो हमने एक ओनियन स्किन रखा है। तो पहला इमेज मैं यहाँ पे रख देता हूँ और उसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए उसकी थोड़ी सी इमेज हमें दिख रही है, बराबर है क्या, तो सेटअप के लिए हम रख सकते हैं, पीछे पीछे उसकी इमेज दिख रही है, तो उसको ओनियन स्किन बोलते हैं। तो ओनियन स्किन लगाने से हमें क्या होता है कि आइडिया आ जाता है कि हमारा नेक्स्ट एनिमेशन फ्रेम कहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा इमेज बैकग्राउंड में दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट भी लगा सकते हैं, और उसके बाद और ठीक है, ये जी देखिए ये हमने पंछी जब उड़ सकता है तो कैसे दिखाई देगा, तो इसकी इसमें हमने ओनियन स्किन का यूज किया है, तो देख लेते हैं इसका एनिमेशन कैसा हो गया। ये देखो बर्ड, ये बर्ड फ्लाई करते हुए जा रहा है, इस तरह से हम एनिमेशन दे सकते हैं कि एक बर्ड फ्लाइंग बर्ड कैसे करे। इसके लिए हमने ये दो कटआउट्स लिए थे, दो कटआउट के माध्यम से हम इसको एनिमेट कर रहे थे, तो इसमें हम 2 3 4 कौन से भी ले सकते हैं, इसके सेटिंग में जाके हम सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। इस अब वो 5 सेकेंड है, थोड़ा सा स्लो करना है तो हम स्लो कर सकते हैं, यहाँ पे डन करेंगे और फिर से चेक करेंगे, थोड़ा सा एकदम स्लोली ये मूव कर रहा है, तो इस तरह हम एक फ्लाइंग बर्ड बना सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि बहुत सी जगह वॉक साइकिल रहता है, वॉक साइकिल यानी वॉकिंग जो रहता है, या आदमी वॉकिंग कर रहा है या बच्चा वॉकिंग कर रहा है, तो ये हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने और एक दो कैरेक्टर बनाए थे, वो देख लेते हैं वो कैसा रहेगा। तो एक ट्री लगाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, तो मैंने एक दो पिकॉक तैयार किए हैं, ये देखिए एक पिकॉक है, उसके लेग्स हम देख सकते हैं, एक के ऐसे है और दूसरे के ऐसे है, तो दोनों हम एक स्पेशल मूवमेंट पे लगाएंगे तो उसका वॉक साइकिल तैयार हो जाएगा। तो ये पहला इमेज मैं यहाँ पे रख देता हूँ और फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। क्या कैमरा स्टार्ट किया,
अब करेंगे इसको क्लिक, ठीक है। उसके बाद ओनियन स्किन की वजह से हमें दिख रहा है कि यहाँ ये जो पिकॉक है कहाँ पे है, तो सेकेंड फ्रेम यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद हम क्लिक करते हैं, ठीक है। हमारे जितने ज़्यादा फ्रेम रहेंगे उतना अच्छा स्मूथ एनिमेशन आ जाएगा। इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत रहती है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ोटो खिंचवाने पड़ते हैं। जितने हमारे पास पेशेंस हो उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आउटपुट निकलेगा। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ये काम करना पड़ता है तो रिजल्ट भी अच्छे निकलते हैं। जिसकी ड्राइंग अच्छे है वो हैंड से ड्रॉ करके भी निकाल सकता है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने प्रिंट करवा के कटआउट्स निकाले हैं 2D में। आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। ठीक है, हमने 9 फ्रेम लिए हैं। अब देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा हुआ है, कोई इश्यू होगा तो हम वो भी देख लेंगे। थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो हम उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। डन किया, ये देखिए ये पिकॉक का वॉक साइकिल तैयार हो गया है। ये पिकॉक वहां पे चल के जा रहा है, ऐसे हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक पिकॉक जो हमारे स्टील इमेज थी उसको हमने क्या किया है, वॉक साइकिल बना के रखा है। तो इस तरह हम इसका सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने हमें लगा कि इसमें का कोई इमेज अच्छा नहीं है तो यहाँ से हम क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए जब हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो इसमें इंसर्ट, यहाँ से भी हम एक नया इमेज डाल सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं, इसमें ऑडियो डाल सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भाग हम इरेज कर सकते हैं या दो तीन इमेज हम सिलेक्ट करके उसको कॉपी करके बार बार डाल सकते हैं। तो इस तरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये इतने ऑप्शन है, इसमें डिलीट का भी ऑप्शन है। जो इमेज हमें सही से नहीं लग रहा है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसका सेटिंग्स है। हमारे इसमें कोई थोड़ा सा इशू नहीं लग रहा है तो इस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये दो, एक हमने बर्ड फ्लाइंग देख लिया, इसमें वॉक साइकिल देख लिया, तो ऐसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो और एक सेटिंग है वो दिखाने के लिए मैं और एक नया प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए जब हम कैमरा पे क्लिक करते हैं तो हम ये फोटो फोटो नाम का एक टूल दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैप्चर मोड अलग अलग देख लेंगे। इसमें हम टाइमर लगा के भी कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बार बार हमें फोटो क्लिक करने के लिए इश्यू आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें टाइम लैप्स भी आ गया है इसमें ऑप्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम लैप्स ये मल्टीपल क्लिक 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 करता जाएगा, हम सिर्फ इमेज मूव कर सकते हैं। तो इस सेटिंग से भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंगल सिंगल क्लिक करके भी ले सकते हैं, तो हम टाइमर ले सकते हैं, टाइम लैप्स ले सकते हैं या मल्टीपल इमेज भी एट क्लिक कर, इस तरह हम सेटिंग भी कर सकते हैं। तो और एक है, जब हम टॉकिंग एनिमेशन बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये 3 एसेट्स बनाए हूँ। ये 3 एसेट्स के माध्यम से, ये 3 कटआउट है, इन 3 कटआउट के माध्यम से हम क्या करेंगे, टॉकिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं ये देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो कैरेक्टर है इसको रखेंगे और कैप्चर पर क्लिक करेंगे। तो ओनियन स्किन है तो पीछे हमें दिख रहा है कि हमारा पहला कैरेक्टर कैसा है, तो उस हिसाब से ही हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर
यह रखना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो ही हम सही से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक होने के बाद ये देखिए, ये तीसरा है और ये क्लिक कर देंगे। सिर्फ हमने तीन ही फोटो लिए हैं, अब देखते हैं हमारा वो टॉकिंग सही से हो रहा है क्या। ये देखिए थोड़ा सा फास्ट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे उसकी सेटिंग में जाके वो 5 सेकेंड है उसको कम करेंगे, 2 सेकेंड पे लाएंगे और डन करेंगे। देख लेते हैं कैसा हो गया है। ठीक है, सिर्फ हमने तीन ही इमेज लिए लेकिन हमें ज़्यादा देर तक टॉकिंग करनी है, क्या करेंगे हम? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये तीन सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट होने के बाद फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन आ गया है, नहीं कॉपी सही से नहीं हुआ है, फिर से हम कॉपी कर देंगे। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, तीन सेलेक्ट होने के बाद फिर ए पेस्ट का ऑप्शन आ गया, नहीं ये कॉपी हो गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, ये फ्रेम कॉपी नहीं हुए हैं प्रॉपर से। ठीक है, देखिए पेस्ट, हमारे तीन ही इमेजेस क्लिक किए थे हमने, इसको हम बार बार पेस्ट करते रहेंगे। ये 3 बार हमने पेस्ट किया है, ये देखिए 10 फ्रेम्स हो गए। अब हम इसको प्ले करके देख लेंगे, देखो कंटिन्यू उसका टॉकिंग जो रहता है उसका मुंह चालू बंद चालू बंद चालू हो गए। तो ये इस तरह हम क्या करेंगे, हमारा काम बचा सकते हैं कि हम फ्रेम को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है, हम रिवर्स भी डाल सकते हैं, इसमें हम कुछ कुछ फ्रेम को सेलेक्ट करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये 3 फ्रेम हमने सेलेक्ट किए, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन रहेगा वो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। कुछ कुछ जगह हमें रिवर्स चाहिए तो हम रिवर्स भी ले सकते हैं। इस तरह हम हमारे कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो जब हमारा ये कैरेक्टर तैयार हो जाएगा तो हम उसको वॉइस ओवर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइक पे मैंने क्लिक कर दिया, रिकॉर्ड पर क्लिक कर दिया, हेलो फ्रेंड्स आज हम स्टॉप मोशन एनिमेशन सीख रहे हैं। ये देखिए हमारा रिकॉर्डिंग हो गया है, हम स्टॉप कर सकते हैं और उसको प्ले करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ये मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट नहीं है इसलिए आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, लेकिन इस तरह ये देखिए ये ऑडियो का बटन आ गया है, तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये कैरेक्टर टॉकिंग कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह हम उसमें साउंड ऐड कर सकते हैं। अब तक हमने जो देखा है उसमें हमने कौन से चीज़ देखी है, तो हम कैमरा सेटिंग करना है हमें, कैमरा सेटिंग में और थोड़े से सेटिंग रह गए हैं वो देखा देखते हैं हम। यहाँ पे सेटिंग पे हमने ये टाइमर देख लिया, उसके बाद इस पे सर्कल एडिटिंग की जो रहते हैं उसको रिवील कर सकते हैं, जो हमारे प्रेजेंटेशन में रहता है फेड इन फेड आउट, ऐसे हम जब एडिटिंग करते हैं तब ये यूज़ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो फेड आउट लगा सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं, जैसे हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रहता है वैसे है हम उसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें
एडिटिंग का पार्ट है, उसमें हम फ्रेम डाल सकते हैं, बाकी की कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। कुछ कुछ इमेज को हमें चाहिए तो वो ब्लैक एंड व्हाइट करना है, फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद है 4K में जो हमारा शूटिंग है वो कौन से क्वालिटी में चाहिए। अब मैंने बेस्ट क्वालिटी ली है, उसके बाद हम वो रिवर्स वीडियो बना सकते हैं, प्लेबैक कैसा रहेगा ये सब देख सकते हैं। ऐसे सेटिंग है जब हम एडिटिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ में आ सकती है। और प्लेबैक हम कंटिन्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं, इस तरह हमारे ये सेटिंग्स है। तो हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद, और ये एक सेटिंग रह गई है, ये देखिए हमने जो अब कैमरा सेटअप किया है ऐटो पे है, हम ऐटो लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार मैंने फोकस कर दिया तो ये ऐटो लॉक हो जाएगा, तो बार बार मुझे कैमरा सेटअप नहीं करना पड़ता है ऐटो लॉकड पे। प्रोग्राम जो प्रोफेशनल लेवल रहते हैं उसके लिए ये रहता है, जैसे कि कैमरा सेटिंग कौन सा चाहिए, ब्राइटनेस कितना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब जो प्रोफेशनल रहते हैं इसके लिए ये हम जैसे जैसे उसको यूज़ करते जाएंगे तो प्रो लेवल का। इसमें जूम का ऑप्शन है, सर हम यहाँ जूम पर कर एक सकते प्रश्न हैं। ले लेते हैं, हमारे इसी विषय से ओके जुड़ा हुआ, हमारे यस यस साथ यस जुड़े हुए हैं हमारे एक व्यूअर जगेश्वर। ये जानना यस चाहते हैं कि अगर हमारे कैरेक्टर, हमारे जो पात्र हैं, वो अलग अलग दिशाओं से जो है सेंटर में आते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट वो सेंटर में आते हैं और अप टू डाउन भी वो सेंटर में आते हैं, तो क्या इस प्रकार से भी ये स्टॉप मोशन एनिमेशन में काम करेगा? यस 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 हम डेमो ही देख लेते हैं। एक ये देखिए, हम दो कैरेक्टर लेंगे, ये देखिए ये मेरा पहला कैरेक्टर है जो बर्ड का है वो लेंगे, ठीक है, और दूसरा जो पिकॉक का है वो कैरेक्टर ले लेंगे। थोड़ा सा उसको ये मेरे को ये चाहिए था, दोनों एक जैसे हो जाएंगे क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है दोनों का सेम ही है, ये थोड़ा सा उल्टा होता तो सही रहता, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, डायरेक्शन भी हमें देखना चाहिए, तो हम ये बर्ड को ही ले लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे है, ये दो कैरेक्टर हैं हमारे, ठीक है, ये यहाँ पे रुका हुआ है, एक पहला है, हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, हम दोनों को नज़दीक नज़दीक ला सकते हैं। ये ओनियन स्क्रीन है तो ये को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ये को थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देंगे, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा लेकिन ये डेमो के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा, दोनों एकदम पास आ गए हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो चार ही इमेज है, हम देख लेते हैं कैसा हो गया है। ये देखिए दोनों साथ में आ जाएंगे, इसका थोड़ा सा फ्रेम रेट स्लो कर देते हैं इसको तो सही से, ठीक है। तो हम ये जी दो कैरेक्टर एक साथ ले सकते हैं लेकिन सिर्फ जब हम इमेज बनाते हैं तो उसका डायरेक्शन हमें सही से होना चाहिए। जो अब मेरे कैरेक्टर है वो सब राइट से लेफ्ट तक जाने के लिए है, या उसका फेसिंग है तो लेफ्ट से राइट के लिए, हम राइट से लेफ्ट से है तो जी हम लेफ्ट से राइट के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस सर तरह हम जी, यहाँ हमें जगेश्वर जी के प्रश्न का जवाब भी मिल गया है। आगे, क्योंकि हमने स्टॉप मोशन एनिमेशन को लेकर बहुत सी चीज़ें जानी हैं, यहाँ बात कर लेते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से स्टॉप मोशन एनिमेशन के ज़रिए बेहतर बनाया जा सकता है, और फिर लर्नर्स के नज़रिए से बात करें, यदि कोई बिगनर जो है वो इसे सेट कर रहा है, तो उन्हें आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, ये आप ज़रूर बताएँ। यस 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 जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम प्ले स्टोर से ऐप लेंगे, ऐप लेने के बाद पहला काम करना है हमें ट्यूटोरियल पे जाना है, क्योंकि एक दिन में कोई भी ये फिल्म प्रोड्यूसर नहीं बन सकता है, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, दो तीन चीज़ें याद में रखनी चाहिए। पहले तो हम ट्यूटोरियल सही से देख लेंगे, यहाँ पे ट्यूटोरियल है, ये सब ट्यूटोरियल सही से पढ़ लेंगे या देख लेंगे,
उसके बाद हमारा दूसरा काम है, हमें स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। कौन सा भी जो काम करना है तो उसके पहले हमें स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। हमें स्क्रिप्ट अच्छे से लिखना आना चाहिए, नहीं तो हम एआई की मदद ले सकते हैं, जैसे कि जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, वहाँ से हम स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसके डायलॉग तैयार कर लेंगे। डायलॉग तैयार करने के बाद हमें उसका सिचुएशन तैयार करना है, जैसे कि हमें फर्स्ट सीन में क्या है, उसका स्टोरी बोर्ड लिखेंगे और उसके बाद हम शूटिंग पे जाएंगे। जी तो एक एनिमेशन बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं। जी सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि जब हम कैरेक्टर खुद डिज़ाइन करेंगे या ड्राइंग करेंगे तो एनिमेशन बहुत अच्छा होगा। ये जो मैंने अभी किया है, मेरी ड्राइंग इतनी सही नहीं थी, इसलिए मैंने प्रिंटआउट निकाल के कटआउट्स तैयार किए हैं। बैकग्राउंड वगैरह जो अच्छा बनाएंगे तो बहुत सही से इमेज वीडियोज तैयार होंगे। जी हमारी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे बहुत से स्टॉप मोशन की वीडियोस तैयार है, जी या लिंक भी मैंने आपको भेज दिया है, वो आप साझा कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए जो लर्नर्स है अभी, जी और बिल्कुल। बहुत ही अच्छे वीडियो हम बना सकते हैं। यानी जिस तरह से हम अमोल सर की बातों से जान पा रहे हैं कि हमें किसी भी कहानी या किसी भी सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए पहले कहीं ना कहीं एक कहानी, एक रूपरेखा या वो बात जिसे कि हम अपने व्यूअर्स तक, अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका एक माइंड में प्रिंट तैयार होना चाहिए। फिर आप उसको एक रूप देकर एनिमेशन उपकरण के ज़रिए, स्टॉप मोशन एनिमेशन के ज़रिए जो है कह सकते हैं। तो क्या ये बात रही सर हमारी? यस यस यस, हम जो काम कर रहे हैं उसकी ब्लूप्रिंट हमारे पहले तैयार होनी चाहिए, उसके बाद ही हम सही से काम कर सकते हैं। तो एक लास्ट में एक काम रह गया है, हमने ये सब बना लिया लेकिन हमने उसको साझा कैसा करना है ये नहीं देख लिया है, देखा है। तो ये जी देखिए, है जो हमने वीडियो बनाया था उसको हम शेयर कैसा करें, जी सर, ये आपसे भी इम्पोर्टेंट चाहेंगे है। कि आप मौखिक रूप से ही बिना डेमोन्स्ट्रेशन के हमारे व्यूअर्स को ये बात शब्दों में पहुंचाएं। ठीक है, तो जो हमने वीडियो बनाया है उसको हम साझा कर सकते हैं, सिर्फ उस पर क्लिक करना है, जो प्रोजेक्ट हमने किया है उस पर शेयर पे क्लिक करें, या डाउनलोड सेव एज, ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, सेव एज मूवी, तो यहाँ से हम मूवी करके नेक्स्ट कर लेंगे तो ये हमारा वीडियो सेव हो जाएगा, तो हम वो वीडियो देख सकते हैं, जी सर, ये यहाँ पर हमारे हमारे, डाउनलोड्स। जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स तक, हमारे लर्नर्स तक ये सभी बातें पहुँच गई हैं और आपको बताना चाहेंगे हमारे सत्र के दौरान आपके काम के लिए। और ये प्रेजेंटेशन जो आपने तैयार की है, आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है हमारे उपकरण से संबंधित, ये हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया। बहुत सी सराहनाएँ, प्रशंसाएँ हमें सत्र के दौरान मिलती रही। हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे साथ थैंक हैं सर श्री अमोल किशन हंकारे, विषय शिक्षक, जिला परिषद चाला नंबर 2, कूची, महाराष्ट्र से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, और कोई भी इश्यू हो आप बता सकते हैं, हम उसके जवाब भी दे सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत से माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप अपनी क्वेरीज, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। एक बार फिर अमोल सर को धन्यवाद करते हैं, और जिस तरह से सर ने बताया कि आप अपने प्रश्नों को अभी भी हम तक पहुँचा सकते हैं, बहुत से माध्यम बाकी सभी जानकारी के साथ साथ आपकी स्क्रीन पर हैं। अब बताना चाहूँगी कि आप कैसे हमारे साथ पंजीकृत करके हमारे सत्रोत्तर प्रश्नोत्तरी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी वेब ब्राउज़र में जाएँ और हमारी ये मेल आईडी टाइप करें। ये वेबसाइट है CIET.NCERT.GOV.IN। आप हमारे होम पेज पर आने के बाद एक्टिविटी सेक्शन में workshop/training ऑप्शन को चुनें। इसके बाद आप हमारी इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के शीर्षक पर आएं, जो कि 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक हिंदी संस्करण में आयोजित की गई है। इससे पिछले हफ्ते में आपने इसी विषय का इंग्लिश वर्जन भी देखा था, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम अपने पेज पर हैं जिस पर कि हमारे इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला की सभी जानकारी है, समय, दिन और इन दिनों में हमारे क्या क्या विषय रहेंगे। यानी अगर दिन 4 और दिन 5 के विषयों की बात करें तो पिक्सटन का उपयोग करके कॉमिक स्ट्रिप्स बनाना हमारा चौथे दिन का विषय है, यानी कल का। 5वें और अंतिम दिन हम बात करेंगे बाइटेबल का उपयोग करके एनिमेशन बनाने को लेकर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। यहाँ सरल शब्दों में बताया गया है कि एनिमेशन उपकरण को यदि आप जान लेते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए ये एक डिजिटल संसाधन के रूप में किस तरह से आपका साथ निभाएगी। कार्यक्रम की अनुसूची, जैसे कि मैंने बताया, एक बार फिर हम दिन 1, दिन 2 और दिन 3 में जो बात कर चुके हैं उनके प्रेजेंटेशन लिंक और वीडियो लिंक यहाँ पर
जारी कर दिए गए हैं और स्टॉप मोशन एनिमेशन हमारे आज के विषय से संबंधित प्रेजेंटेशन लिंक और वीडियो लिंक भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। कल हमारे विषय पर बात करने के लिए सुश्री प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। तो कल का दिन भी और अगले दिन को भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। चलिए हम चलते हैं कैसे भाग लें के अंतर्गत आपको इस लिंक पर क्लिक करना है या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर भी पंजीकरण पर जा सकते हैं। जब आप हमारे पंजीकरण पेज पर आ जाएँ, अपनी सभी जानकारी स्पष्ट और साफ शब्दों में हम तक पहुँचाएँ ताकि बाद में हमारी टीम को आपके प्रमाण पत्र बनाने में सरलता हो। आप किन माध्यमों से हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं या कुछ जरिए दिए गए हैं, माध्यम दिए गए हैं जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम में नामांकन करें और सत्रोत्तर गतिविधि में भाग लें। इसके लिए आप दीक्षा पोर्टल पर लॉन्च होने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम में शामिल हों। प्रशिक्षण के अंतिम दिन शाम 7 बजे तक पाठ्यक्रम लिंक इवेंट पेज पर अपडेट कर दिया जाएगा। ये कोर्स 30 मार्च 2025 तक खुला रहेगा। प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे सभी 5 दिनों की वीडियोज़ को देखना होगा। अंतिम मूल्यांकन की आवश्यकता है तो प्रतिभागी 3 बार मूल्यांकन का प्रयास कर सकते हैं। अंतिम मूल्यांकन में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र मिलेगा। वे अपने दीक्षा प्रोफाइल पृष्ठ पर ही अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको सर्टिफिकेट मिलने में कोई देरी हो रही है तब भी आप 15 से 20 दिन का समय जो ये इंतज़ार है उसको ज़रूर आप व्यतीत करें और उसके बाद हमारी टीम से आप विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। बताना चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने फीडबैक्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसके लिए आपको इस लिंक पर या इस QR कोड को स्कैन करना होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर बनाएंगी। और यहाँ देखिए कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हीं माध्यमों में, हमारी training.helpdesk@cert.nic.in की मेल ID शामिल है। आप हमसे फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी इस समय आप वेबसाइट के ज़रिए देख रहे हैं। और सभी जानकारी के साथ साथ हमारे सभी सत्रों में हमारे फ़ोन नंबर और विभिन्न माध्यम जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं बताए जाते हैं। हमारे इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला में हम एनिमेशन उपकरण पर बात कर रहे हैं। यहाँ एनिमेशन का हमने दिन एक में जो शाब्दिक अर्थ जाना वो ये है कि किसी भी चीज़ को जीवंत रूप देना, और ये हमने आज भी दोहराया। तो इसी तरह आपसे चाहेंगे कि अगर आप छात्र हैं, आप शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, वो सब लोग जो एनिमेशन उपकरण को अपने विभिन्न कार्यों के लिए सीखना चाहते हैं वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बने। हम बस कुछ ही मिनटों में अपना अगला सत्र लेकर आएंगे। ये सत्र सहयोग का होगा। आज बात होगी सहयोग में बिल्डिंग मेंटल रेजिलेंस अमंग स्टूडेंट्स। तो छात्रों के बीच ये मानसिक क्रियाएं या फिर ये सेटअप करने के लिए किस तरह से आप प्रयास कर सकते हैं, इस पर हमारा अगला सहयोग सत्र आपके लिए प्रसारित होगा। यहाँ 3rd दिन से अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम से मैं सृजन आप सभी से चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।